हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार SSC की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आउट है, 10+2 लेवल की रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग ऑलरेडी फॉर्म स्टार्टेड है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ना इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन वगैरह आ रहे थे, तो उसको लेके मैंने सोचा कि चलो आपकी कन्फ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। टाइपिंग एंड नॉन टाइपिंग पोस्ट को लेके बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चन पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में आके, तो चलिए हम लोग इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में जान लेते। तो अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हो, थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पहले भी बताया है, बिहार SSC की तरफ से इंटर लेवल की रिक्रूटमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। टोटल कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है? 11,098 सीट्स के लिए वैकेंसी आई है। मेल कैंडिडेट्स का है 7,214 सीट्स एंड फीमेल्स के लिए 3,884 सीट्स। फॉर्म अप्लाई की जो डेट है आपका लास्ट डेट है 11 नवंबर, तो लास्ट डेट नज़दीक आ रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इच्छुक हो फॉर्म भरने के लिए, तो ज़्यादा इंतजार मत करो, वरना बाद में सर्वर इशू की वजह से आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। रही बात की फॉर्म भरने में फ़ी क्या लग रही है, जनरल BC EBC EWS एंड अदर स्टेट के कैंडिडेट से लिया जाएगा 540 रुपीज। वहीं पर अगर SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट जो कि बिहार डोमिसाइल से बिलोंग करती है, उनसे लिया जाएगा 135 रुपीज। एज लिमिट की अगर बात करें तो योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st August 2023। जनरल कैंडिडेट्स मेल का मिनिमम 18, मैक्सिमम 37 ईयर्स। जनरल कैंडिडेट फीमेल BC एंड EBC का मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स एज का लिमिट रहने वाला है। SC ST का है 18 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 42 ईयर्स। सो आई होप कि एग्जाम पैटर्न आप समझ गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिंपली 10+2 पास आउट हो, आप एलिजिबल रहने वाले हो उसके लिए। आपने इंडिया के किसी भी स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से आपने अगर पास किया है 10+2, इंटर पास हो, आप अप्लाई कर देना। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि नॉन टाइपिंग पोस्ट कितना है और टाइपिंग पोस्ट कितना है और किन किन पदों के ऊपर टाइपिंग और नॉन टाइपिंग में वैकेंसी आई है। तो जैसा आप देख सकते हो, नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए टोटल सीट आई है 8,198, जिसमें से आपको पहला पोस्ट है राजस्व कर्मचारी रेवेन्यू ऑफिसर का, 3,559 सीट्स। पंचायत सचिव के लिए 3,532 सीट्स। LDC पंचायती राज विभाग के लिए 504 सीट्स। फलेरिया निरीक्षक के लिए 69 सीट्स है। कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के लिए 534 सीट्स है। तो अब रही बात टाइपिंग पोस्ट कौन सा है, टाइपिंग के लिए टोटल 4000 सीट्स है। नगर विकास एवं आवास विभाग LDC में 2039 सीट्स है। अदरवाइज और भी पोस्ट है, आप जाओगे नोटिफिकेशन देखोगे ना, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप जाके जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता रखा था, बट बहुत सारे कैंडिडेट्स ना कंफ्यूज्ड है। उनका ये मानना है कि मेरे पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, टाइपिंग नहीं आती है, और बहुत सारे लोगों ने ये खबर फैला दी है कि इसमें टाइपिंग एकदम कंपल्सरी है हर पोस्ट के लिए। हर पोस्ट के लिए कंपल्सरी नहीं रहेगा फ्रेंड्स। जिनके पास जो सर्टिफिकेट नहीं है टाइपिंग या फिर कंप्यूटर का, वो नॉन टाइपिंग वाला अप्लाई कर सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं कि इन सब पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 3 स्टेजेस। एट फर्स्ट यू हैव टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा आपको पास करनी होगी। फिर मेंस यानी मुख्य परीक्षा क्लियर करना होगा। उसके बाद आपका टाइपिंग एंड DV होगा। टाइपिंग पोस्ट वाइज डिपेंड करेगा कि किस पोस्ट के लिए टाइपिंग होगा, अदरवाइज सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो ज्वाइनिंग लेटर की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग एग्जाम की पैटर्न को एक दफा अच्छे से समझ लेते हैं। आपका जो पेपर होगा फ्रेंड्स, उसमें प्री के एग्जाम में 150 क्वेश्चंस होंगे,
600 मार्क्स के लिए पर क्वेश्चन 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/4 का। समय मिलेगा आपको 2 घंटे और 15 मिनट का, मतलब 2 hours and 15 minutes में पेपर कंप्लीट करना होगा। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करूं मैं तो जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, मैथ्स प्लस साइंस के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 25 क्वेश्चन एंड साइंस के 25 क्वेश्चन, साथ ही साथ रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए रहेंगे। तो प्री एग्जाम आपने क्लियर कर लिया, फिर होता है आपका मेंस का एग्जाम। इसमें रहेगा आपका पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 सिंपली हिंदी का होता है, 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के लिए, इसमें भी 1 question 4 मार्क्स के लिए रहेंगे। टाइम मिलेगा 2 hours 15 minutes और निगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4 का। और ये होता है आपका क्वालिफाइंग नेचर का, ये क्वालिफाई करोगे तभी आपका इस पेपर का कैलकुलेशन होगा पेपर 2 का। तो 150 questions रहेंगे आपको पेपर 2 में 600 मार्क्स के लिए, निगेटिव मार्किंग 1/4 का और टाइम मिलेगा 2 hours and 15 minutes का। सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए जीके के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, मैथ्स प्लस साइंस के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, 25 25 ईच सेक्शन से आपको पूछा जाएगा। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के लिए। सो आई होप कि मेंस का पेपर भी आप समझ गए होंगे। तो जब प्री और मेंस निकालोगे तो आपका जो पोस्ट वाइज रहेगा टाइपिंग होगा, और अगर टाइपिंग नहीं है आपके पोस्ट के लिए तो नहीं होगा, फिर सिंपली डीवी, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। एग्जाम कहाँ होगा ये भी एक बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट्स के कि कहाँ जाके एग्जाम देना होगा। तो फ्रेंड्स जैसा आपको पता है ये ऑफलाइन पेपर होता है, ओएमआर सीट पे कंडक्ट कराया जाता है। तो बिहार के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जाम सेंटर रहते हैं, तो आप कहीं से भी अप्लाई करो, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, आपको ना बिहार में आके पेपर देना होगा। सिलेक्शन के बाद आपको यहीं पे सर्विस भी देनी होगी डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंडर। सो आई होप कि मैंने जो आपको डिटेल्स बताए हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। और अगर थोड़ी सी भी कुछ भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में पूछना, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर लेना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी नेक्स्ट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।